अंबेडकर के बाद कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई नेता हुआ है तो पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव है। वो चाहे जितना धरना प्रदर्शन कर ले, अब कुछ होने वाला नहीं है। मुद्दा उनके पास अब है नहीं। देखिए, धर्म निरपेक्षता की सरकार है, गरीबों का राज है, नौकरियों की पहुंचार अब होने वाली है। एक कमल की फोटो दबाने से न जाने कितनी महंगाई बढ़ गई। एक कमल की फोटो दबाने से चावल का दाम बढ़ गया। जंगल राज उसको कहते हैं कि जनता का राज है, उसको वो जंगल राज कहते हैं। पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव है। एक चीज और चल रहा है, जब से सरकार आप लोग की बनी है, मीडिया वाले खूब आप पर लगे हुए हैं, फिर से कह रहे हैं कि जंगल राज की बात की फोटो दबाने से, एक कमल की फोटो दबाने से सिलेंडर का दाम बढ़ गया। एक कमल की फोटो दबाने से न जाने कितनी महंगाई बढ़ गई। एक कमल की फोटो दबाने से चावल का दाम बढ़ गया। एक कमल की फोटो दबाने से सारा खाद्य पदार्थ बढ़ गया। एक कमल के फोटो दबाने से न जाने कितने बेरोजगार हो गए। एक कमल की फोटो दबाने से न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। उसको कहते हैं कि जनता का राज है, उसको वो जंगल राज को दबाने से न जाने कितना युवा बर्बाद हो गया। एक कमल की फोटो दबाने से हम जैसा शिक्षक रोड पे आ गए। एक कमल की फोटो दबाने से न जाने कितना लोग आज बिहार में बेरोजगार हो गए। जंगल राज तो तब थी जब वो सरकार चला रहे थे, अभी जंगल राज नहीं, अभी मंगल राज आ गई है और इसी में बिहार की भलाई है। यही शिक्षा, यही जी, हम यही पूरा विश्वास करते हैं। इसीलिए देखिए, अभी अपनी मांगों के लेकर माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग आ गए हैं और अपनी मांग रखेंगे, क्योंकि बिहार के भविष्य का निर्माण इनमें दिखता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जनता पार्टी के लोग अब सड़कों पे नजर आएंगे, धरना और प्रदर्शन करते हुए बिना बात के नजर आएंगे। ईडी और सीबीआई को कल नहीं आज भेज दो, सामना करेंगे हम। जंगल राज थ्री आ गया, कह रहे जंगल राज, जनता के राज को वो जंगल राज कहते हैं। राम राज उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, हाथरस में जो हुआ, एक दलित की बेटी का बलात्कार किया और उसको प्रशासनिक स्तर से सरकारी संरक्षण में रात के अंधेरे में जला दिया गया, यह राम राज उसको कहते हैं। आने वाले समय में कह रहे हैं कि 3 महीने तक सरकार नहीं टिकेगी, हम इतना धरना प्रदर्शन करेंगे, इन लोगों को मजबूरन सरकार तोड़ देनी पड़ेगी। देखिए, वो चाहे जितना धरना प्रदर्शन कर ले, अब कुछ होने वाला नहीं है। मुद्दा उनके पास अब है नहीं। देखिए, धर्म निरपेक्षता की सरकार है, गरीबों का राज है, नौकरियों की पहुंचार अब होने वाली है। हर घर नल जल पहुंच रहा है 7 निश्चय के माध्यम से। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोग तो कहते थे कि नल जल योजना फेल है, अब कह रहे हैं कि घर घर पहुंच गया नीतीश कुमार के सरकार में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश थी, नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए, शराबबंदी को फेल करने के लिए दारू बेचवाया जा रहा था। अब नहीं बेचवाया, और अब सरकार बदल गई है, उनके हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब जनता देगी और हम कार्यकर्ता गोलबंद होकर देंगे। अच्छा, गोलबंद करके आप लोग दीजिएगा जवाब। उन लोग का और भी कुछ कहना है, यहाँ और भी जो लोग हैं उन लोगों से थोड़ा सा बातें करते हैं। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं दोस्त? देखिए, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सफर बिहार शरीफ से, नालंदा जिला से। हाँ, क्या मांग है यहाँ पे आप? देखिए, हम लोग पिछला 3 साल से हम लोग 2019 से हम लोग सीटेट पास करके भटक रहे थे। हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, एग्जाम क्वालिफाई किए हैं इस सरकार से। हम लोग को खासकर आज लोग हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले। पुराने वाले सरकार से आप लोग को कुछ उम्मीद नहीं थी? पुराने वाला सरकार से हम लोग 3 साल से सड़क पर आंदोलन करते करते परेशान हो चुके थे। विपक्ष का सहयोग था, इसके पहले भी हम लोग तेजस्वी यादव से मिले थे 1 सप्ताह पहले, जो कि खुद ट्विटर से अपना फोटो हम लोग को अपलोड किए थे। इस सरकार से अब हम लोग के बहुत उम्मीद। अरे इधर से जाइए। हाँ, चलिए तो
कहाँ से आए हैं आप लोग? पटना के हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में पहली बार स्थिर सरकार मिली है, लोगों में एक सुकून आई है। जो देश में ना पक गया था आदमी, हिंदू मुसलमान धर्म में, सिर्फ धर्म और मुसलमान की बात हो रही थी, अब ये बिहार के अंदर भी कम से कम है लोग चैन की नींद है। और बिहार के बिहार का जो बिहार से जो यह ये मैसेज गया है पूरे देश में, पूरे देश क्या पूरे दुनिया में एक सुकून की मैसेज गया है। और लोगों में अब लगता है कि बिहार से बिहार जो है एक ऐसा धरोहर है जो जेपी की धरती है, लोहिया की धरती है, कर्पूरी की धरती है, लालू जी की धरती है। लालू जी एक गरीबों के मसीहा है। उन्होंने कहा था कि सरकार आए या नहीं आए, लेकिन हम झुकना पसंद नहीं करेंगे, चाहे हमको जितना संघर्ष करो। यही संघर्ष जो है आज ये सामने आया, और ये जो आज की सरकार है ये सामाजिक न्याय की सरकार है और स्थिर वाली सरकार है। आने वाले आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वे लोग कह रहे हैं कि MY समीकरण की सरकार है, इतना ज़्यादा मंत्री पद केवल मुस्लिम और यादव समाज को दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि मुसलमानों को कितना है ना कितना मिला है। आप देखिए इस तरह की जो भ्रमित है, ये सरकार जो है A to Z की सरकार है, और इसमें सारे लोगों को सम्मान दिया गया है। और ये जो जिस तरह का है, देखिए अब उन लोगों के पास काम उम नहीं है, भ्रमित है, लेकिन जनता जो है महंगाई से बहुत आक्रोश है। जिस तरह से महंगाई पे ये रोक लगाएंगे, बिल्कुल महंगाई का बात नहीं। अभी जो जिस तरह से 5% GST जो बढ़ाया गया है, आटा का दाम जो तरह से 34 रुपये 35 रुपये किलो हो गया, जो 22 रुपये किलो बिक रहा था, बहुत परेशान है आदमी, वो चाह रहा है सुकून की नींद लेना चाह रहा है। कहना है कि महंगाई पे रोक लगाया जाएगा और ये जो सरकार है सामाजिक न्याय की लड़ाई करने वाली सरकार है। बहरहाल आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा। हम लोग इस वक्त राबड़ी आवास पे थे और लालू यादव पारस अस्पताल के बाद से दिल्ली गए थे एम्स में, और उनका इलाज हो रहा था। इलाज होने के बाद में जब मंत्री पद की सबको शपथ ग्रहण ले लिया है, तो आशीर्वाद देने के लिए ये पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।